नमस्कार आदाब सत श्री अकाल किसान भाइयों, मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न नर्सरी वाला में। किसान भाइयों, आज मैं आपको पूरी जानकारी देंगे कि गर्म क्षेत्रों में किस प्रकार से आप सेब की खेती कर सकते हैं और हम कैसे सेब की खेती करके सफल हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे पौधों में फ्रूट लगे हुए हैं और हमने ये आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमने इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस प्रकाशित किए हैं जिसमें हमने दिखाया कि किस प्रकार से फ्लावरिंग आई हुई थी, अब फ्रूट सेट होने के बाद वो सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। लेकिन अब जो ये वीडियो है ये अल्टीमेट वीडियो है क्योंकि इसमें हम आपको शुरुआत से अंत तक की पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा हमें, क्या आप भी इस प्रकार से गर्म क्षेत्र में सेब की सफल बागवानी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो उत्तर है आपको इसी वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं सेब की खेती में। दोस्तों, इस प्रकार से सेब के पौधे में फूल लगते हैं, जब भी सेब के पौधे में फूल आते हैं तब पानी बहुत ही कंट्रोल मात्रा में देना होता है, यानी कि पानी ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम। पानी देना या नहीं, इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो पौधे का तना है उसके सामने से मिट्टी निकालें और उसको गोलाई करने का कोशिश करें। अगर उसको लड्डू बन जाता है तब पानी देने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो मिट्टी लड्डू नहीं बनता है, मिट्टी गिर जाता है, तब आप उसको पानी दे दें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो फ्लावरिंग के बाद ये एक स्टेज आता है जब आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी अच्छी तरीके से जो एप्पल है वो सेट हो चुका है और यही एप्पल बाद में बड़ा होता है और हम इसको हार्वेस्टिंग करते हैं। हम आपको सारी स्टेज दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारे पौधे में फूल लगा था, फिर इसमें फ्रूट सेट हुआ और फिर फ्रूट सेट होने के बाद हमने क्या क्या उसमें काम किया जिसके बाद हमें एक अच्छा साइज का जो सेब है वो तोड़ने को मिला। तो दोस्तों, इस समय भी एक स्टेज ऐसा आता है जब काफ़ी सारे आपके जो फ्लावर है वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ फ्रूट कन्वर्ट सेट होने के बाद भी जो फल है वो गिर जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है फंगस के कारण। अगर आप इस समय फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फंगस के कारण कुछ कुछ ऐसे फल होते हैं, जैसे कि आम में भी देखा होगा आपने कि छोटे छोटे आम बनने के बाद भी आम झड़ जाते हैं, कुछ एप्पल में भी उसी प्रकार से होता है। अगर आप फंगिसाइड का इस्तेमाल सही समय पर नहीं करते हैं तो फ्रूट सेट होने के बाद भी आपके जो फल हैं वो झड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रूट भी बन रहा है और इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं, तो तीनों काम एक साथ हो रहा है। कई कई ऐसा स्टेज है जहाँ पर कलियाँ निकल रही हैं, कहीं पर फूल खिल रहे हैं और कहीं पर इस प्रकार से फ्रूट सेट होकर बड़े भी होने लग रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस समय बस करना ये है कि जो कैल्शियम और बोरोन होता है इसका इस समय पर स्प्रे करना होता है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अगर आप कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे नहीं करते हैं तो आपका जो सेब का फल है वो बाद में फटने लगता है। तो फल फटने से बचने के लिए और साथ ही इसका जो सेल्फ लाइफ होता है उसको भी बढ़ाने के लिए अच्छे से, कि इसका जो त्वचा है वो थोड़ा सा स्ट्रांग रहे, ठीक है, इसलिए आपको कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे लगातार करना होता है। जब शुरुआत में फल छोटे छोटे रहते हैं, यानी कि जस्ट ये देख रहे हैं फ्रूट सेट हो चुका है, इसी समय से जो आपको कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे है वो शुरू कर देना है ताकि आपका जो फल का साइज भी बढ़े और आपका जो फल है वो काफ़ी अच्छे प्रकार से बढ़ भी पाए। दोस्तों, जब पहली बार आप स्प्रे करना शुरू करते हैं तो आपको हर हफ्ते में एक बार स्प्रे करना रहता है, यानी कि जो पहला महीना होगा इसमें आपका 4 स्प्रे होता है। उसके बाद आप हर एक स्प्रे के बीच का जो अंतराल है वो 15 दिन रख सकते हैं, यानी कि हर 15 दिन बाद आप एक कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे ले सकते हैं और साथ में आप बीच बीच में एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी स्प्रे ले लें ताकि जो पौधे में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो वो भी पूरी हो सके और पौधा अबाध्य तरीके से बढ़ सके। दोस्तों, ये जो मैं जितनी भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, चाहे वो कैल्शियम बोरोन का स्प्रे हो, चाहे फंगिसाइड का स्प्रे हो, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे हो, इन सभी का जो स्प्रे करना है इसमें जो डोज होगा वो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको डोज बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। 2 ग्राम से ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इससे पौधे में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो फल है हमारा सेब है वो बड़ा होने के बाद, यानी कि ये अप्रैल मई का समय है, इस समय जो पौधा है सेब जो है हमारा वो रंग लेना शुरू कर दिया है और थोड़े थोड़े इसमें लाल धारियां आना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, ये सेब का जो प्रजाति है ये है अन्ना। हमारे पास इस समय 3 वैरायटी के सेब के पौधे थे, अन्ना, हरिमन, डॉर्सेट गोल्डन। तो आज जो हम दिखा रहे हैं ये है अन्ना प्रजाति का सेब और ये जो सेब है ये पूरी तरीके से लाल हो जाता है, लेकिन इसमें हमने एक गलती कर दी। जो गलती हमने ये की है कि हम इस सेब के जो ये जो सेब लगा हुआ है इसको हम ढके नहीं। दोस्तों, जब इसमें लाल धारियाँ आनी शुरू हो गई तो पंछियों का इसके प्रति जो आकर्षण है वो काफ़ी बढ़ गया और पंछी इसमें चोंच मारने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, इस समय कुछ इस प्रकार के भी सेब लगे हुए थे जो कि पूरी तरीके से ग्रीन थे और ये सेब थोड़ा देर में पकेंगे। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि फ्लावरिंग भी हो रही थी, फ्रूट सेट भी हो रहे थे और जो कुछ फ्रूट पहले ही सेट होकर के वो बढ़ने भी लग गए थे। तो जो फ्रूट पहले ही सेट हो चुके थे और बढ़ने लग गए थे वो फ्रूट का साइज इस प्रकार से हो चुका था और उसमें लाल धनिया आनी शुरू हो चुकी थी और कुछ फल जो बाद में सेट हुए थे वे थोड़ा लेट पकेंगे और उसकी हार्वेस्टिंग थोड़ी बाद होगी। लेकिन इस समय हमारे जो वातावरण है इस समय काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन आ रहा है, तो इसीलिए हमने
पता नहीं कि सेब कब गिर जाए, इसीलिए हम ये वीडियो शूट कर ले रहे हैं ताकि आपके पास जो ये वीडियो है वो पहुंच सके और आप इस प्रकार से सेब के पौधों की खेती के बारे में पूरी तरीके से जानकारी को जुटा सकें और आप खुद तो सेब की खेती करें भी और दूसरों को भी सेब की खेती करने में प्रेरित करें, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा स्रोत है इनकम का। और जिस प्रकार से आजकल बेरोजगारी बढ़ रही है, जो हमारे युवा बेरोजगार हैं वे भी सेब की खेती करके एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा सेब का पौधा है, ये 2 साल बाद इसमें फल लगे हैं। पहले साल हमने फल नहीं लेना था, इसलिए हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और दूसरे साल में ही इसमें हमारे सेब जो है लग चुके हैं। ये जो सेब की खेती हो रही है ट्रायल के रूप में, इस स्थान का नाम है झारखंड राज्य है, जिला पूर्वी सिंहभूम, और हमारा जो POPS है वो चकुलिया है और गांव का नाम अमला गोरा है। तो दोस्तों, अगर आप भी सेब की खेती करना चाहते हैं तो आप हमसे सीखने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सेब की खेती करना है और आपको इन इन बातों का ख्याल करके अगर सेब की खेती करते हैं तो आप सफलतापूर्वक जो सेब की खेती है वो कर पाएंगे। और अगर आप भी ट्रायल करना चाहते हैं सेब की खेती के लिए और आप पौधे लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जो सेब के पौधे हैं गर्म क्षेत्र में, जो पौधे सेब के फल देंगे, क्योंकि सभी सेब के पौधे गर्म क्षेत्र में फल नहीं दे सकते हैं, तो इनकी कुछ निश्चित प्रजातियां हैं, इन्हीं प्रजातियों को लगाएंगे तभी इसमें फल आते हैं। तो अगर आपको सेब के पौधे ट्रायल के लिए लगाने हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर आ रहा होगा नंबर, आप इन पर हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं और हमें कॉल कर भी कर सकते हैं। अगर आपको हर स्टेज को बारीकी से देखना है, और हमने इसके लिए अलग अलग वीडियो बना कर रखा हुआ है, तो इसका जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप हर एक स्टेज में, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज में और उसका फ्रूट सेटिंग स्टेज में और फ्रूट जब तुड़ाई होती है फ्रूट हार्वेस्टिंग स्टेज में, इन सभी स्टेज को आप बारीकी से अलग अलग वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार से फलदार पौधों की नए नए जो टाइप के पौधे होते हैं उनके एक्सपेरिमेंट हम इस प्रकार से ट्रायल लेते हैं और किसान भाइयों के साथ वीडियो द्वारा साझा भी करते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑल पर सेटिंग कर दें, ताकि हम जब भी यूट्यूब पर नए वीडियोस डालते हैं तो आपको इसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी और आप उस वीडियो को देख करके जो जानकारी है जुटा सकते हैं नए नए फलों की खेती के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर कुछ अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।